तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल रात को एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी OMG2 की। तो दोस्तों, जितने भी लोग उस स्क्रीनिंग में मौजूद थे उनका एक रिव्यू आया है, और जो भी लोगों ने रिव्यू दिया है, जिसने भी OMG2 को रिव्यू दिया है, वो दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव है। और सभी लोगों ने 5 में से 5 स्टार, किसी ने 5 में से 4 स्टार इस मूवी को दिए हैं। मतलब जो हम सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल पिंक विला ने इसकी स्टोरी को रिवील करा है और बताया है कि भाई मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है, आप जाओ और जाके देखो। तो दोस्तों, बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट और कर देना भाई, मुझे दिल से अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बंदे ने मतलब एक हमारे एक शायद मतलब OMG2 जिसने देखी, उन्होंने ट्विटर पे इसका जो फर्स्ट रिव्यू है मतलब स्क्रीनिंग में जो देखा वो बताया कि वॉच लास्ट नाइट फैन स्क्रीनिंग, दिस मूवी हैज़ चेंज माई परसेप्शन। मतलब इस मूवी को देख के मेरा जो सोच थी वो चेंज हुई टॉवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ पॉजिटिवली। मतलब इसके अंदर इतनी पॉजिटिवली है, सच ए ग्रेट कॉन्सेप्ट, मतलब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा है, शोइंग सच ए कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एंड ए ब्यूटिफुल एंड Enlightening message at the end is commendable। मतलब यह है कि इस मूवी को देखने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा और काफ़ी आप एक लाइटली आपकी एक थिंकिंग हो जाएगी। और दोस्तों, पिंक विला ने इस मूवी की एक स्टोरी भी बताई है कि किस तरीके से इस मूवी को का कॉन्सेप्ट रखा गया और इसके अंदर मेन पर्पस क्या है जो लोगों को इतना नेगेटिव लग रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आजकल मतलब जो इस टाइम पे स्कूल्स हो या फिर कॉलेजेस हो, मतलब हर जगह में हर लेवल पे ये चीज़ तो कन्फर्म चल ही रही है। अब दोस्तों, क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। भारत के मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने जो पिंक विला ने बोला है कि भाई अपनी वेबसाइट पे कि ऐसी कहानी है। तो भारत के अधिकांश हिस्सों में यौन शिक्षा का एक वर्जित विषय है, और OMG2 के साथ निर्देशक अमित राय ने स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करने पर एक बहस शुरू करने की कोशिश की है। OMG2 की कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे स्कूल में हस्तमैथुन का एक प्रकरण विवेक अरुण शर्मा के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। मतलब जो पंकज त्रिपाठी के बेटे हैं, अरुण शर्मा के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकरण डालता है, और समाज में उसके पूरे परिवार के प्रति धारणा में भी बदलाव आता है। जब सभी उम्मीदें और लड़ने की भावना खत्म हो जाती है, तो भगवान शिव अपने दूत अक्षय कुमार को कठिन समय में परिवार के साथ खड़े होने और उन्हें स्थिति से बाहर निकालने के लिए भेजते हैं। संदेशवाहक उसके पिता कांति शरण मृदुल पंकज त्रिपाठी को स्कूल और समाज में कई अन्य गलत सूचना देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रेरित करता है। मामला क्या है और कांति शरण मृदुल इस वर्जना को तोड़ने में कैसे कामयाब होते हैं, ये OMG2 जब आप देखेंगे जब आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, जो आप लोग सुन रहे थे, जो आप लोग समझ रहे थे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी रिव्यूज अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले आए हैं सारे पॉजिटिव हैं। मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा गलत चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को गलत लगे। अब आपकी मर्जी है, आप कौन सी मूवी चूज करते हैं, गदर 2 या OMG2। तो फिलहाल दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि भाई मूवी के अंदर मुझे तो बहुत पहले से पता लग ही चुका था कि भाई मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई वो होता है ना कि यार हम क्यों, पब्लिक सोचती है यार हम क्यों यकीन करें तुम पे, हम क्यों ऐसा बोलें, हम मतलब हम कैसे आप पे यकीन कर लें। तो भाई अब देखिए, अब आपके सारी चीज़ें सामने आ ही चुकी हैं, जो स्क्रीन जो रखी गई थी वो इसी वजह से रखी गई थी कि जो एक माहौल बना हुआ है वो ऐसा ना हो। तो फिलहाल दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।